सुकजीम बाबरकत फ़ांद अब्दी और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ शक्र गुज़ार हूँ खुदा बाप खुदा बेटी खुदा गुद्स का कि जिसने हमें ये मौका फ्रह किया कि हम उसके घर में आकर उसके नाम को जलाल दें उसकी प्रस्तश उसकी मदद सराई करें और अपनी निजात के लिए अपने ईमान की अफजूनी के लिए और मुसीसू में चलने के लिए उसके कलाम को खोलें आमें आए हम खुदावन के कलाम मुक़दस की तरफ बढ़ेंगे और खुदावन के कलाम मुकदस में से आज हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे आज से क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मसीही आलम में मसीही दुनिया के अंदर आज इस आमद के पहले इतवार को बड़े ही जोशो ख़रोश के साथ मनाया जाता है और इसे एक नाम दिया गया है आमद के इस पहले इतवार को जो क्रिसमस से पहले चार इतवार आते हैं मसीही दुनिया के अंदर इन चार हफ्तों को इन चार इतवारों को एक एक नाम दिया जाता है फर्स्ट संडे सेकेंड थर्ड और चौथे इतवार में हम मसीह यसू की पैदाइश को मनाते हैं और इस सीज़न को सीसू की आमद के इतवार को इस चार हफ्तों के सीजन को जो नाम दिया जाता है उसे एडवेंट सीजन कहते हैं और इस सीजन का जो पहला इतवार है फर्स्ट संडे आमद का इतवार और यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि खुदा के खुदाम मुफसरीन मसीी आलम दीन जो हैं उन्होंने जब इन चार इतवारों को तश्कील दिया जो क्रिसमस से पहले आते हैं जब इन्हें एडवेंट्स का नाम दिया तो ये लफ्ज़ कहाँ से निकला इस सीज़न को ये सीज़न क्यों कहा गया और बाज़ चर्चेस के अंदर आमद के पहले इतवार से लेकर चौथे इतवार तक शमें रोशन की जाती हैं पहले इतवार को एक फिर दूसरे इतवार को दो फिर तीन और इस तरह चौथे इतवार को चार शमे जलाकर उनके दरमियान में एक शमा रखी जाती है बहुत अरसे तक मैं इस चीज को देखता भी रहा और इस पर जो है रिसर्च भी करता रहा सीखता रहा तो ये जो चार इतवार आते हैं जब इन चार इतवारों का नाम दिया गया तो पहले पहला जो इतवार आता है जैसे आज आमद का पहला इतवार है एक क्रिसमस सीजन शुरू हो रहा है एडवेंट सीजन शुरू हुआ है तो पहले इतवार को उम्मीद का नाम दिया जाता है और एक शमा उम्मीद की क्षमा रोशन की जाती है यहां यह भी बताता चला जाऊं कि मसीहत के अंदर रंगों का इस्तेमाल भी कलाम में मुकदस के मुताबिक ही किया जाता है और मसीही मजहब के अंदर कलर्स रंग जो हैं वो अपनी एक अहमियत रखते हैं तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन ये यह बताता चला जाऊं ताकि जब मैं रंगों पर बात करूं तो किसी के जहन में कोई सवाल न रह जाए अगर हम पुराने एतनामा का मताल करें तो उसमें हमें जो कपड़े सरदार काहन पहनेगा उसके जो चोगा वो पहनेगा उसका कलर क्या होगा जो काहन पहनेगा उसका कलर क्या होगा जो खिदमत गुजार पहनेंगे उनका कलर क्या होगा जैसे अर्गवानी रंग के बारे में हम कलामकद के अंदर पढ़ते हैं तो पहली शमा जो जलाई जाती है वो आ, अर्गवानी रंग की और अर्ग, अर्गवानी रंग जो है जिसे हम आ, जामनी रंग भी कहते हैं पर्पल कलर और तीन जो शमे जलाई जाती हैं वो पर्पल कलर की जलाई जाती हैं और चौथे इतवार की जो शमा जलाई जाती है वो पिंक कलर की जलाई जाती है और इन चार जो कैंडल्स जलाई जाती हैं इनके दरमियान में व्हाइट कलर की कैंडल रखी जाती है जो कि मसीह यसु की जिंदगी को उसकी पाकिजगी को जाहिर करती है आमीन तो जामनी रंग जो है ये एक मजहबी रंग है और इस रंग का मकसद जो है यह रंग जो है दुआ तोबा और कुर्बानी के वक्त की निशानदेही करता है इसलिए एडवेंट सीजन में जब पहली शमा उम्मीद की शमा रोशन की जाती है तो वो जामनी रंग की, की जाती है सो so, हम मजीद रंगों की तरफ नहीं बढ़ेंगे लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है एडवेंट सीजन का पहला इतवार यानी कि होप संडे, उम्मीद और ये जो लफ एडवेंट है ये लातीनी जुबान का लफ एडवेंट्स से लिया गया है जिसका मतलब है यानी मसीह यसु की आमद मसीहसू इस दुनिया में आया है मसीह यसु इस दुनिया में आने को है इसका मतलब आया और इससे यह भी अक्स किया जाता है यसु आ रहा है क्या है एडवेंट सीजन यानी येसु आ रहा है और आमद का मकसद क्रिसमस के दिन येसु की पैदाइश और वक्त के अख्ताम पर सिर्फ खत्म नहीं हो जाता मैंने अक्सर अपनी जिंदगी के अंदर बल्कि हर साल इस चीज का मुशाह किया है आमद के पहले इतवार से लेकर जैसे ही क्रिसमस सीजन शुरू होता है एक जोश सा आ जाता है सबसे पहले खरीदारी एक बड़ी फिक्र बच्चों के कपड़े अपने कपड़े रिश्तेदारों के कपड़े और मुख्त तरह की खरीदारी फिर यर्स क्रिसमस कैरल पार्टीज और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्रिसमस सीजन में शुरू हो जाती हैं और फिर छुट्टियों की मसरूफियात अभी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी और फिर क्रिसमस छुट्टियां खूब मनाई जाएंगी लेकिन इन सारी बातों में जैसे ही चौबीस की नाइट गुजरती है और 25 दिसंबर का दिन आता है मुझे याद है कि मैं आई थिंक मैट्रिक या नाइन्थ क्लास में था तो हमारे शहर में एक बहुत बड़ा आ, जो है वो ड्रामा किया गया टेबलो पेश किया गया जिसमें बड़ी रियलिटी दिखाई गई मुझे बागन से लेके तो वो 23 तारीख को वो ड्रामा पेश किया गया चौबीस गुजरी ड्रामे की तैयारियां चलती रहीं फिर ड्रामा किया उसके बाद चौबीस की मसरूफियात तो पच्चीस की इबादत के बाद हम घर में सारे बैठे हुए तो मेरे अंकल कहते हैं शाम का टाइम था चार बजे का कहते कहें हाँ भाई मुंडे किया हाल है जी ठीक ठाक किधर गया था डाक्रिसमिस क्यों बस चौबीस तक अब बड़े ही जोश में थे बड़े ही आ, जो शीले थे और बड़ा काम भाग दौड़ लटकाए ने इबादत गुजरी तो सब कुछ खत्म और ऐसा है पच्चीस के बाद हम इस कदर थके होते हैं कि अगले डिस, यकम दिसंबर तक वो थकावट ही नहीं खत्म होती और फिर नहीं थकावट ये क्रिसमस नहीं है ये एडवेंट नहीं है हकीकत, ये सीजन सु की पैदाश पर चौथे हफ्ते पर खत्म नहीं हो जाता शुरू होता है आप चौथे हफ्ते तक तैयारी करते हैं यह चार हफ्ते आपको तैयारी के दिए जाते हैं जिसमें पहला हफ्ता आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करता है वो उम्मीद जो मसीयू के वादों के साथ जुड़ी होती है अमिन दूसरा हफ्ता आपकी जिंदगी के अंदर अमन पैदा करता है आप अमन के बारे में क्या समझते हैं वॉट इज द पीस क्या है अमन मैं बड़े सुकून से रह रहा हूं मुझे कोई खौफो खतर नहीं है क्या ये अमन है मेरी धनिस्त में अमन ये है कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ जुड़े हुए तमाम लोग मेरे साथ चलने वाले तमाम लोग मेरी सोच में आने वाले तमाम लोग जिनके साथ मेरा एक रिलेशन है मेरे इर्द गिर्द के तमाम लोग में शैतान के हाथों महफूज है ये अमन है फिर तीसरा इतवार खुशी और जब आप उम्मीद में मसीस में तोकर रखते हुए अमन में होते हैं तो वो अमन आपकी जिंदगी के अंदर खुशी लेकर आता है एक ऐसा पुरातमान शख्स पुर, पुर उम्मीद शख्स अब हो सकता है जरूरफन भाई अफसुरदा होगा मसनू क्या कह ले मुस्कुराहटें या आ, मिलना मिलाना होगा उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाएगी नहीं ऐसे ही है ना क्यों क्योंकि वो जिसको भी मिलता वो पूरी तुमना है मुझे इससे कोई खतर नहीं है मुझे इससे कोई खौफ नहीं है मैं जो काम करता हूं वो काम करते हुए नहीं घबराता कि इसमें नुकसान ना हो जाए मेरा ये उठने वाला कदम नुकसान दे साबित ना हो वो उसका उठने वाला हर कदम पुर उम्मीद और पुर इतमान कदम होता है क्योंकि वो अमन के साथ कदम रखता है जहां तेरे पाओं का तलवा टिकेगा वो जगह तुझे ये क्या है ये खुदा का क्या वादा और जो इस वादे में जुड़ा हुआ है जो इस वादे पर उम्मीद रखता है उसको कदम उठाते हुए घबराहट होगी कोई परेशानी होगी वो पूरी तमनान है वो उम्मीद है क्योंकि वो खुदा के वादे के साथ जुड़ा हुआ है आमिन? तो फिर वो क्या होगा खुश है और चौथा हफ्ता मोहब्बत का खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर अब खुदा की मोहब्बत की इंतहा नहीं हो सकती खुदा की मोहब्बत का कोई निम बदल नहीं हो सकता क्या है कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है कि वो अपना आप भी कुर्बान कर दे और अपना सब कुछ भी कुर्बान कर दे अपनी हस्ती तक को मिटा दे दुनिया में ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती जो खुदा ने दिखाई कलमा मुजस्म हुआ खुदा इंसानी सूरत में जमीन पर उतर आया और इस कदर मोहब्बत आपके नजदीक मोहब्बत बदला है बदला चेंज नहीं कह रहा नहीं नहीं बदला के आ, मैं तेरे को बदला लेना इंतकाम मोहब्बत इंतकाम का नाम नहीं है ऐसे ही है ना अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं वो नहीं भी करे तो क्या उसमें इंतकाम आ सकता है मोहब्बत तो मोहब्बत है मोहब्बत अमन का नाम है मोहब्बत बांटने का नाम है और खुदा ने जब इंसान से मोहब्बत की तो उस मोहब्बत में उसने बल्कि यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत जुड़ने का नाम है मेल मिलाप का नाम है और मसीह ने ऐसा किया सिर्फ बाप से मिलाप करवाया बल्कि एक बड़ी हकीकत मसीह यु की जिंदगी के अंदर वो ये है कि हमने खुदा की मोहब्बत में मसीह की मोहब्बत में एलोहत को किस को को और इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हुए देखा किसी नबी की जिंदगी में किसी दौर में कई अदवार गुजरे, लेकिन किसी जगह पर भी हम अलोहीत को और इंसानियत को यानी खुदा की खुदाई को और इंसान की इंसानियत को इकट्ठा होते हुए नहीं देखते लेकिन उसने इकट्ठा कर दिया और मुकदस पाल सरसुल कहता है

मेरे साथ निकालिए मुकदस जबूर के मजामीर उसका जबूर नंबर बासठ और उसकी पाँचवीं आय से सातवीं आय तक हमारा टॉपिक जिसके ऊपर आज हम सीखने को हैं वो है उम्मीद आमद का पहला इतवार उम्मीद जिसे उम्मीद का नाम दिया जाता है और इसके ऊपर हम बात करेंगे जी पढ़िएगा ऐ मेरी जान खुदा ही की क्या कर आस रख क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है यानी मुकद्दस दाऊद की उम्मीद का कौन है खुदावंद उसका खुदा यहोवा पाक खुदा उसकी उम्मीद है अगर मैं ये कहूं कि यहां बैठे हुए तुमाम लोगों में से कोई एक शख्स खड़ा होकर यह कहे कि मैं ना उम्मीद जिंदगी बसर कर रहा हूं एनीमन है कोई ऐसा शख्स जो हालात वाकियात से माशरे से खानदान से बच्चों से अपनी फैमिली से अपनी जात से अपनी जॉब से और अपने खुदा से मुकम्मल तौर पर उम्मीद हो चुका हो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे शायद यहां पर भी दो चार बैठे ही हों लेकिन के नहीं। और मैं उठाना भी नहीं चाहता लेकिन उस पर उंगली रखना चाहता हूं ताकि वो अपनी उम्मीदी में से बाहर निकल आए खुदा हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है और जो कोई उस पर उम्मीद रखता है वो उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देता हजारों सालों से गुनाह करने के बाद इंसान इस उम्मीद पर जी रहा था खा वो बुतों के पास जा रहा था खा वो कुर्बानियां दे रहा था खा वो यहोवा का नाम लेकर दुआ कर रहा था हर दौर के अंदर उम्मीद एक ही थी और वो उम्मीद क्या थी निजात निजात की उम्मीद थी किसी तरह से ये टूटा हुआ रिश्ता किसी तरह से फिर से खुदा की खुशनूती खुदा से मेल मिलाप और अबलीस पर इख्तियार हासिल हो जाए एक उम्मीद इंसान अपने जिंदगी में लिए हुए था और वक्त गुजरता रहा हमारे अबाओ जदाद मरते रहे हजार साल 120 साल 75 साल 60 साल पैंसठ साल जिंदगी गुजरती रही लोग पैदा होते रहे मरते रहे लेकिन उम्मीद कायम है कि आएगा और फिर मुकदस दाउद कहता है ऐ मेरी जान ही की आश्रख मैंने बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को तसल्ली देते देखा है आप भी देते होंगे देते हैं ना तसल्ली? अगर आपके पास कोई गमखार आ गया है आपके पास कोई अफसरदा शख्स है आपके पास कोई नाउमीद शख्स आ जाता है आप दुआ भी ना करते हों। आप रोजा नहीं रखते आप खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर चल भी ना रहे वो एक अलग टॉपिक है लेकिन आपके पास कोई शख्स आ गया आप क्या करते हैं यार मैं अपनी इन्ना को ना उम्मीद था, तू मेरे को आ गया वो एक पंजाबी की कहावत है ना लापरहो हो ते अगला बोकर हो वे वो ते को ला ना से आए तुम अगो बोकर हो नहीं जितने मर्जी हो लेकिन उस वक्त हम उस शख्स के लिए आलम दीन बने होते हैं हमारे जैसा मुफसर हमारे जैसा आ, इल्म का जानने वाला कोई शख्स ही नहीं होता और हम उसे तसली दे रहे नहीं 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 नहीं, नहीं परेशान नहीं होना खुदा बड़ा रहीम है ओ तेरे नारायण जो हो जाएगा ये हो जाएगा और हम उसके लिए एक बड़ा जाल लफ्सों का बुन रहे होते हैं और इस तरह उसे उस जाल में फंसा देते हैं कि लाना भी ऐसा ही है ना लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे होते हैं, और वो गलती ये होती है कि हम खुद उन चीजों से बागी होते हैं एक मिसाल सुनी होगी आपने और वो मिसाल मुझे हर इतवार को याद आती है मैं थे थोड़ा जो मैं थोड़ा जा गुड़ खाना याद है किसी नुड़दी मिसाल है ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਟੁਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਆਈ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਬੜਾ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ बीबी बड़े गुस्से आख्या यही चार गलत कल कर देना मैं ओ, सफर करके आई हूं कल आप ही खान रहा कैसे बताता अब दाऊद हमें नहीं कह रहा दाऊद दउिसिया से बात नहीं कर रहा मुकद्दस दाऊद किसी दूसरे की बात नहीं करता खानदान की बात नहीं करता वो अपनी जान की बात करता है वो अपने आप से बात करता है और खुद को मुखातिब करके कहता है मेरी जान किसको मुखातिब करके कह रहा है अपने आप को ए मेरी जान खुदा की आस रख क्योंकि मुकद्दस दाऊद अपने बाप दादा की आस और उम्मीद से वाकिफ है वो जानता है कि मेरे बाप ने खुदा अपने खुदावन पर आस रखी और उसने उन्हें शर्मिंदा ना होने दिया और वो याद दिलाता है ए मेरी जान खुदावन पर आस रख और उसी से मुझे उम्मीद है जान रू बदन होश में आओ मुतफिक करता है तीनों को और आगे पढ़िएगा वही हमेन प्रेस तलौट वो ही कौन जिस पर मुझे आस है जिस पर मुझे भरोसा है जो मेरी उम्मीद का है वही अकेला मेरी चटान मेरी निजात वही मेरा ऊंचा बुर्ज है मुझे जुम्बश मैं उम्मीद हूं हा मैं मैं उम्मीद हूं क्योंकि वही अकेला मेरा बचाने वाला मेरा संभालने वाला है इससे पहले कि हम आगे बढ़े आए एक मिनट के लिए अपने कदमों पर खड़े हों। सब खड़े हो जाएं। जेडे नहीं खलो सकते वो भी खिलो जाए हम उम्मीद के बारे में सीख रहे हैं आप में से जो कोई पुर उम्मीद होना चाहता है आप में से अगर कोई ये चाहता है कि मैं उम्मीद हूं मैं में पुर उम्मीद होना चाहता हूं वो अपने आप को हलाएगा हलाना है नहीं उम्मीद और ईमान का मतलब है वॉक करना मसीह यसू में चलना मसीह के साथ वाक चॉइस आप मसी में उम्मीद रखते हुए कहाँ से कहाँ तक वाक करना चाहते हैं वाक करेंगे हम मसीह में वॉक करेंगे अपनी उम्मीद की तरफ बढ़ने के लिए आप दाएं से बाएं जा सकते हैं पिछों आगे आ सकते हो अगों पिछे भी जा हो लेकिन उम्मीद च पिछे ना जाए हजे ये भाई साहब ने आख्या जरा नहीं जा सका अगे नहीं बहुत पीछे टोर जे और दरवाजा बंद कर दरवाजे वाले पीछे निकल जाए और निकलन भी नहीं देना किसी हाँ जी आए हम मसीह में वॉक करें उम्मीद में उस उम्मीद में मसीह के साथ अपने कदम बढ़ाए चले मसीह के साथ चले तू चलो म चले वॉक करें अपनी जगह को चेंज करें मैं जहां था मैं उस प्लेस को छोड़ता हूं मैं इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता हूं मैं पीछे हटता हूं ना उम्मीदी से और उम्मीद में अपना एक कदम आगे बढ़ाता हूं मैं इस ना उम्मीदी से एक कदम बाएं जाता हूं मैं इस ना उम्मीदी से एक कदम दाएं जाता हूं और मसीह के साथ चलना शुरू करूंगा आमिन तशरीफ रखें और खुदा की कला में मुकदस के अंदर हमें उम्मीद की खूबसूरत तारीफ मिलती है मेरे अचीजों उम्मीद का ख्याल या नजरिया मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है इसलिए मैंने आपको उठाया और साढ़े चौ सत्तर नब्बे अस्सी पर नब्बे पचानवे बल्कि नाइन्टी नाइन परसेंट फिर उ मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन परसेंट कहाँ आए हैं हमने वॉक किया हमने अपनी जगह छोड़ी और कितने चढ़ी ये फिर उथे आगे बह गए हैं। हमारी उम्मीद यही है हम दूसरों को सिखाते हैं हम दूसरों को बताते हैं दूसरों के लिए तसली का सबब है अपनी जान को मुखातब करके कह रहे होते हैं उम्मीद रख ऐ रख आप ये नहीं है हमारा खुदा ठहराओ का खुदा नहीं है कि उत्तरी ठहरा रहे हमारा खुदा बढ़ोतरी का खुदा है वो आगे बढ़ाता है हमारा खुदा हिजरत का खुदा है और जब तक हमारी जिंदगी के अंदर हिजरत नहीं आती हमारी जिंदगी के अंदर जगह छोड़ना नहीं आता हम बरकत नहीं पाते अगर इसमें बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी मूसा ने हिजरत की की के नहीं की बरकत भाई इसराइल ने हिजरत की बरकत भाई बाप अब्राहम ने हिजरत की ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਯਕੂਬ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡੋ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿத்தி ਏ ਆਹ ਨਹੀਂ ਛਡਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਆਪਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸੇ-ਐਸੇ ਪਾਸੇ बच्ची उन्हें दिखा, उन्हें ले आ गई लिया छोड़ी हमने अपनी जगह आंसर वो आ, क्या क्वेश्चन मार्क कैसे अगर आप उठकर इधर हो जाए वो इधर आ जाए तो तरतीब खराब होंगी क्यों जी भाई साहब होंगी भाई साहब इधर आ जाते बुआ जी इधर टूर जाते कादी भी तरतीबी एक एल्डर इधर उधर आ जांदा तू छ एल्डर इधर उधर टोर जांदा और मैं भी ते इधर उधर आ ही गया ना हां जी चलो फिर करो टाइम बड़ा लग जाना रह नहीं दियो जी, जी 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 क्या नहीं लेकिन मैं छोड़ के फिर इधर आ जाना <laughs> मैं आंदा जांदा रहा ना मेरे को जगह बड़ी महदूद है इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा जब आप उम्मीद में हैं तो अपनी उस उम्मीद में चलें छोटा सा सिखाना चाहूंगा फिर आगे बढ़ते हैं उम्मीद मुस्तकबिल की तरफ इशारा है और इसमें इस मुस्तकबिल में, में उम्मीद के साथ ख्वाहिशात की बढ़ोतरी है आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं मसीह में जब हम उम्मीद करते हैं तो हमारी ख्वाहिशत क्या होती है बढ़ती जाती है और खूबसूरत बात यह है कि बाइबल जो हमें उम्मीद देती है उस उम्मीद में हम मुस्तकबिल की चीजों की गहराई उसकी गहरी यकीन दहानी और मजबूत इतमान और इतमाद में बंध जाते हैं बाइबल की उम्मीद गहरी यकीन दहानी है इसीलिए यह हवाला निकालिएगा मेरे साथ मुकदस पालुस रसूल उम्मीद के हवाले से हमें सिखाता है रोमियो उसका पंद्रवा बाप और उसकी तेरहवीं आयत याद रखें उम्मीद का ब्राह रास्त ताल्लुक ईमान के साथ है किसके साथ है ईमान एक जगह तेरह है ईमान बढ़ता है पहले मैं बच्चा था बच्चों से बातें थी फिर लड़कपन जवानी और फिर मुसीब मजबूत ईमान वक्त के लिहाज से उस्ताद ईमान की मजबूती पहले ईमान का कदम पहला कदम फिर ईमान में मर जाना आमिन जी पढ़िएगा जी रोमिया पंद्रवा पर उसकी तेरहवीं आयत Hmm. सारी खुशी और यही रुके रहिएगा। पहली बात क्या है खुदा जो उम्मीद का अब खुदा के बगैर हमारी उम्मीद उम्मीद है ही नहीं खुदा जो उम्मीद का सर चश्मा है आगे ईमान रखने के बायस तो उम्मीद का रास्ता रास्त किसके साथ जुड़ा है ईमान के साथ जुड़ा है और जब मेरी उम्मीद ईमान के साथ जुड़ जाती है और मैं उम्मीद में ईमान में मजबूत हो जाता हूं तो फिर हासिल क्या है अब जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकलेगी और मुल्क माउदा में वो मुल्क के कैनान के अंदर उस वादा के सरजमीन में जाएंगे तो रोण भी खुश हम वादा की सरजमीन में पहुंच चुके हैं और उम्मीद तब तक उम्मीद है जब तक चीज नजर नहीं आती याद रखिएगा उम्मीद तब तक उम्मीद है जब तक उम्मीद की गई चीज नजर नहीं आती और जब वो उम्मीद की गई चीज नजर आना शुरू हो जाती है जब वो उम्मीद की गई चीज आपके पास आ जाती है जब वो उम्मीद की गई चीज जिसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं आपके पास आ जाती है फिर वो उम्मीद नहीं, नहीं रहती क्या हो जाती है वो यकीन में तब्दील हो जाती है वो हकीकत में तब्दील हो जाती है और वो यकीन वो हकीकत आपको आपके गम को खुशी में तब्दील कर आमिन बरसों से जिसका इंतजार था नबियों की ये साया 2000 साल पहले ये पेशन को ही करता है उम्मीद उम्मीद और फिर जो अंधेरे में बैठे थे जो मौत के साया की वादी में थे उन पर एक नूर चमका और यीशु मुजस्सम हुआ है यीशु पैदा हुआ है अब उम्मीद ने जिसम अख्तियार किया है जब उम्मीद नजर आई जब उम्मीद देखी तो उनका गम खुशी में क्या हो गया एक औरत जब उम्मीद में होती है फिर वो मुख्त तरह के कपड़े शॉपिंग करना शुरू करती ऐसे ही है ना उसकी एक उम्मीद होती है कई मनसूबे उसके दिमाग में आते हैं इस प्रेगनेंसी के अमल से लेकर डिलीवरी के अमल तक कई तरह के प्रोसेस कई तरह के ख्याल की होने की नहीं किंज होएगा क्यों होएगा हाय हुए ही हा चलती रहती हैं ऐसे ही है ना फिर वो उम्मीद नजर आती है जब अपने गोद में से लेते हैं तो फिर वो सारी तकलीफ़ें जो गुजरी होती हैं उस सारे प्रोसेस के अंदर वो किस में तब्दील हो जाती हैं वो उम्मीद किस में तब्दील होती है कब जब हम उस उम्मीद को देखते हैं आज इस उम्मीद में उम्मीद के इस पहले इतवार में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस हकीकी खुशी को देखने के लिए जो बैतल हम में पैदा हुई जो बैतल हम के अंदर आई और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करना शुरू करें और जब हम उस उम्मीद को उस खुशी को उस आस को जिस पर तोल है अपने पास पाए तो फिर बच्चा पाने के बाद क्या करते हैं खुश होने के बाद छठ पालन पोषण करते हैं ठीक है और भी इससे आगे काम करने है ना इसलिए तुमका तो तौत कहता है इंसान पर भरोसा नहीं करना किसी को रथों पर किसी को घोड़ों पर किसी को उमराह पर भरोसा है लेकिन है मेरी जान खुदा पर आस रख अब क्या है हम उसे छोड़कर नहीं आते जैसा भी हो जिस हालत में भी हो हम उसको पालते पोसते हैं हम उसकी देखभाल करते हैं उसकी खुशी के साथ खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है हम उसमें बढ़ते हैं हम उसमें चलते हैं ऐसा ही है ना यही उम्मीद है ना जो फिर आप उससे बांध लेते हैं। यसु कितना तो <laughs> ऐसे ही है ना मेरा ख्याल है ज्यादा से अच्छी बात है इट्स गुड वो जहरा वक्त के साथ चलना होता है मैं वो नहीं कर रहा लेकिन क्या होता है पच्चीस छब्बीस यकम जनवरी औरलिसिया कई कितने गई कितने कैरल पार्टिया कथे गई सजावटा कितने गए फिशर सब कुछ गुस्सा तो मूसा असल खुशी मेरी दनिस्त में गोद में लेने के बाद है, ऐसे ही है ना फिर बड़ी सारी किसी होटल शुक्र शुक्रगुजारी भी करते हैं ना खुश होते हैं दूसरों को बताते हैं को फोन जाना शुरू हो जाते हैं गिफ्ट आ रहे होते हैं लेकिन पदाइश के उम्मीद को पाने के याद रखें आप इन दिनों में अपने आप को तैयार करना शुरू करें ताकि उस हकीकी उम्मीद को पाने के बाद आप उसमें खुश हो सकें आप उसमें जिंदगी बसर कर सकें उसके बाद एक अहम चीज जो है उम्मीद के हवाले से कि ईमानदार की उम्मीद की बुनियाद क्या है और फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे हम अपनी उम्मीद को मजबूत करें एक ईमानदार की उम्मीद की बुनियाद क्या होनी चाहिए याद रखें जी प्रेज़ गार्ड किसी भी ईमानदार की उम्मीद की बुनियाद खुदा के करदार की हकीकत और उसके बेटे यीशु मसीह और उसके कलाम पर मबनी है हमारी उम्मीद की बुनियाद क्या है खुदा के किरदार की हकीकत और अगर आप खुदा की सिफात को अपने जेन में रखें तो आप उसके किरदार के बारे में सीख सकेंगे नंबर एक हमारे ईमान की बुनियाद क्या है हमारे उम्मीद की बुनियाद ईमानदार की उम्मीद की बुनियाद क्या है नंबर एक खुदा के किरदार की हकीकत नंबर दो उसके बेटे यसु और उसके कलाम पर जब हमारी उम्मीद इसके ऊपर होती है हम उसके किरदार में चलते हैं वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि यसु का भी था फिर हम यसु के साथ चलते और उसके कलाम पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ उसके कलाम में लिखा है वो सच है और वो बरहक है और फिर उसके बाद जब आपकी उम्मीद की बुनियाद मजबूत हो रिसेंटली किसी ने अपना घर बनाया हो एक महीना दो तीन या छह माह में या बनते देखा हो किसी ने नहीं है बनाया है। आ, बुनियाद के कितने मराहल में से गुजर के ऊपर चुनाई करते हैं कौन कौन से हुँ? ठीक है। और फिर ऊपर अदा रखते हैं मेरे ख्याल से सबसे पहले बुनियाद का पहला मरहला है उसकी अच्छी नई खुदाई करना ऐसे ही है ना जी और खुदाई करने के बाद उसके अंदर बेड लगाना सा नहीं सीमट था ऐसे ही है ना जी फिर चुनाई करने के बाद जब जितनी हमने खुदाई की होती है वहां तक चुनाई हो जाती है तो उसके ऊपर सरिये और सीमेंट बजरी का बीम डालते हैं और उसके ऊपर फिर की की चुनाई की जाती है एक मजबूत तीन मराहल। आपके ईमान की पहली आपकी उम्मीद की पहली बुनियाद खुदा का किरदार है जिसे आप अपने सामने रखें फिर दूसरी आपके उम्मीद की बुनियाद दूसरा रद्दा उसका बेटा यीशु है जिस पर अब अपनी उम्मीद रखते हैं और तीसरा खुदा का कलाम है और फिर जब आप इनमें शामिल हो जाते हैं आपके ईमान की आपकी उम्मीद की बुनियाद मजबूत हो जाती है तो फिर गौर इस बात पर करनी है कि जब मेरी उम्मीद की बुनियाद अच्छी बनी है तो मेरी उम्मीद का केंद्र कौन है यदि तो बनना की है ऐसे ही है ना जी बाथरूम केड़े कोने से बनना है बेडरूम केड़े कोने से बनना है केड़ा कितना बनाना है की करना केंद्र क्या है इसका उसका درمیان क्या है जिसके जिसमें ये सारा कुछ बनेगा होगा क्या ये बुनियाद ये उम्मीद कि बुनियाद ये बिल्डिंग खड़ी कैसे होनी है ये किस तरह की बिल्डिंग बनेगी तो एक ईमानदार की उम्मीद का मरकज ये नोट कर लें और फिर दुआ करते हैं नंबर एक बहुत सारे ईमानदारों की उम्मीद का मरकज दूसरे इंसान होते हैं बहुत सारे लोगों की उम्मीद का मरकज मादी अशिया होती हैं बहुत सारे लोगों की उम्मीद का मरकज दौलत होती है बहुत सारे लोगों की उम्मीद का मरकज उनकी जस्मानी ताकत होती है मैं अपनी ताकत के बलबोसे बलबोते पर सब कुछ कर सकता हूं मैं अपनी दौलत के बलबोते पर सब कुछ कर सकता हूं मैं मेरा ताल्लुक मिनिस्टर्स के साथ है मेरा ताल्लुक फलां शख्स के साथ है मैं सब कुछ कर सकता हूं नौकरी नथिंग कोई मसला ही नहीं है मेरा ताल्लुक फलां के साथ है सारे मामला मिनटों में तय करूंगा मेरे पास इतना पैसा है मैं सब कुछ बना सकता हूं कर सकता हूं लेकिन याद रखें जिनकी उम्मीद का मरकज उनकी बुनियाद खुदा उसके बेटे और उसके कलाम पर होता है उनकी उम्मीद टूटती नहीं बाकी सबकी उम्मीद टूट जाती है सो so, नंबर एक हमें खुदा के फजल और उसकी गैर मुस्तहक शफकत रहम, रहमानी मदद और उसकी हकीकत पर उम्मीद रखनी चाहिए हमारी उम्मीद का मरकज यह होना चाहिए नंबर दो हमें उम्मीद है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब जमीन पर हमारी मुसीबतें बल आकर खत्म हो जाएंगी और हम एक ऐसे अबी मकाम में दाखिल होंगे जिसमें ना रोना ना दांतों का पीसना हो हम इस उम्मीद के साथ हर दुख सह जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे यीशु ने हमारे साथ वादा किया है जब हमारे यीशु ऊपर गया तो उसने जाते हुए क्या वादा किया था हमारे साथ यीशु ऊपर जाने लगा जाने से पहले वो अपने लोगों अपने शिगर्दों के साथ बड़ी बातचीत हो रही है और उसने वादे करना शुरू किया उसने ऊपर जाते हुए उनके लिए उन्हें एक दी उन्हें पता था दुनिया में रहते हुए इन चीजों की जरूरत भी है और इसमें ये फंसेगे भी मुसीबतों का आना तो जरूर है घबरा ना जाना अब मुसीबतों का आना भी जरूर है घबराना भी नहीं तो उम्मीद की है एक दिन ये खत्म होंगी और फिर इसका सिला तुम्हें क्या मिलेगा मेरे बाप के यहां बहुत से मकान हैं अगर ना होते तो मैं तो अंदा झूठ नहीं बोलन दिया मैं ऊपर जाता हूँ मैं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं तो फिर मैं आते जी जी तो हो जीते नहीं मैं जाता हूं तुम्हारे लिए और फिर और फिर क्या करूंगा तुम्हें तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा ये दुख ये मुसीबतें यहीं छोड़ जाएंगे खत्म हो जाएंगी हमारी उम्मीद का मरकज ये है जिसमें हम पुर उम्मीद हैं आमीन फिर हमें उम्मीद है कि खुदा हमारी रूहानी बढ़ोतरी और नजात को पाए तकमील तक पहुंचाएगा हो नहीं सकता कि हम उम्मीद रखें रूह की नेमतों को पाने की हम उम्मीद रखें अपने खुदा पर हम उम्मीद रखें रोहुल कुछ पर और ना पाए कहा खुदा अपने वादों में सच्चा और जमीन आसमान टल जाएंगी लेकिन जो मैंने कहा वो जो वादा उसने किया है वो अटल है वो वादा नहीं टल सकता वो अपने अराधा को तब्दील कर सकता है लेकिन अपने वादे से मुकर नहीं सकता तबाही 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 मैं वादा करता हूं आइंदा इस तरह से नहीं मारूंगा मैं समझता हूं उस दौर की जो आ, गुना था आज के दौर से कम ही है आज बोता हो गया है लेकिन फिर तूफान आया क्या किया उसने वो अपने वादे से नहीं मुकर सकता और उसने आपको उम्मीद दिलाई है उसने आपके साथ वादा किया है मैं जाऊंगा मैं आऊंगा मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है तुम इस जमीन पर इस उम्मीद में जिंदा रहो इस उम्मीद पर कायम रहो मुझ में चलते रहो मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा हमें उम्मीद है कि हमारे पास आसमान पर एक अबधि घर है किदे किदे को रजिस्ट्री है मुझे याद आ 2001 में 2001 में मेरे बाबा इंडिया में गए तो जब वो अपना सारा कुछ जो उनका वहाँ पर था अपने जो उनके चाचा थे उनकी बहनें थी उनके नाम पे करके तो जब उनका वापसी आने का था तो मेरी पुप्फो कहने लगी कि मैनुल कुछ चीज़ें जो हैं कुछ ज़मीन जो है वो तो गवर्नमेंट के नाम कर दे ताकि तुझे पाकिस्तान में मिल जाए तो मेरी जो दी हैं उनके दिल में भी ये बात आई और मेरे जो बहनोई हैं बड़े उनके दिल में भी तो उन्होंने कहा कि अब कुछ कर ऐसा ना तो कारण अच्छा चलो ठीक है सुबह होएगी हो फिर देखागे वो उन्हें लेकर गए आगरा में और उन्हें ताजमहल दिखाया जब उन्होंने वो ताजमहल देखा तो वापस आए तो कहते हैं कि अगर आपको ये ताजमहल मिले तो कैसा होगा इतना चंगीडी इतना बड़ा माहौल मिल जाए तो फिर कहने लगे कि मैंने आपके लिए आसमान पर ताजमहल बनाया है? जब हम आसमान में जाएंगे तो ताजमहल में रहेंगे जाकर हमारी उम्मीद ये है कि खुदा ने हमारे लिए आसमान पर घर बनाया है घर हमारी नजर में दो कमरों का होता है लेकिन खुदा की नजर में घर महल होता है वो आपके लिए महल बनाए बैठा है जिसमें आप रहेंगे आमीन उसके बाद हमारे पास उम्मीद है और एक मुबारक उम्मीद है कि जब यीशु आएगा तो उसके वफादार उसके पैरोकार हवा में उड़कर उसका इस्तेवाल करेंगे गाण नाल नहीं बनना काम हवा चे उड़ जाना है थोड़ा जो फ्रेश हो जो मैं एक ये गीत सुन रहा था हवा च उड़ जाना है तो एक बंदा था तो वो गीत जब गाया जा रहा था तो गाई जा रहे हवा च उड़ जाना है हवा च उड़ जाने तो वो भी अकिया गांदा गाँव गीत मुकर नहीं रहा उड जाना है उड जाना है वो उड जाना नहीं उड जाना समझ आइए क्योंकि फिर उड जाने उड जाना कि कि भी छाया जाना है हमने हवा में उड़ना है और उस उड़ने की किस किस को उम्मीद है आए अपने पैरों पर खड़े हो जाए इस उम्मीद में कि हमने हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना है और हमारे पास जिंदगी में खुदा की वफादार खिदमत के सिला में यह उम्मीद है कि हमें ताज मिलेगा जिंदगी का ताज मिलेगा आसमानी ताज मिलेगा, वो ताज जो बादशाहों के बेटे पहनते हैं और दूर से उनके ताज से लोग मुनवर होना शुरू हो जाते हैं हमें नूर का ताज पहनाया जाएगा हमारे पास उम्मीद है कि हम अबदी जिंदगी के अंदर दाखिल होंगे हमारे पास उम्मीद है एक जिंदा उम्मीद और ये सारी उम्मीदें जिस उम्मीद के साथ बंधी हैं वो उम्मीद हमारे पास है क्या सारी उम्मीदें किस उम्मीद के साथ बंधी हैं लॉर्ड किस उम्मीद के साथ हमारे पास क्या है मैं उम्मीद में आगे बढ़ता हूं मैं उम्मीद में मजबूत हूं मैं उम्मीद में कायम हूं क्योंकि मेरी उम्मीद जिंदा उम्मीद है और मैं उम्मीद हूं मेरा आने वाला है मेरा यीशु आने वाला है गायर प्लीज यीशु आने वाला है प्रेज़ हाल लिया आए अपनी आंखों को बंद करें अपनी उम्मीद को जांचना शुरू करें अगर मैं अपनी उम्मीद में मुर्दा हो चुका हूं अगर मैं अपनी उम्मीद में ना उम्मीद हो चुका हूं अगर मेरी उम्मीद पुर उम्मीद नहीं है तो आज जिंदा उम्मीद आपको उम्मीद दे रही है आपकी वेरान जिंदगी के अंदर कलियां फूट रही हैं आए उस उम्मीद को अपना लें उस उम्मीद को पहन लें और उस उम्मीद में झूमना शुरू करें उस उम्मीद में चलना शुरू करें उस उम्मीद के लिए तैयारी करना शुरू करें उस उम्मीद में बढ़ें, उस उम्मीद में जिंदा रहें उस उम्मीद में खुश होना शुरू हो और जब उम्मीद में खुशी आ जाती है तो हम फूले नहीं समाते यस प्रेज हाल दुआ करना शुरू करें उस उम्मीद के लिए उस जिंदा उम्मीद के लिए जो खुदा के वादों के साथ जुड़ी हुई है जिस उम्मीद ने कहा मैं तुझे तना नहीं छोड़ूंगा जिस जिंदा उम्मीद ने कहा मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं मैं तुम्हें खाने को दूंगा मैं तुम्हें पहनने को दूंगा मैं चलते फिरते तेरा मुहाफिज होऊंगा मैं अपने चेहरे का नूर तुझ पर मुनवर करूंगा वो जिंदा उम्मीद आपके पास है। ये बीमारी क्या है गरीबी क्या माने रखती है जिंदा उम्मीद जो राजिक है जिंदा उम्मीद जो शाफी है के बोझ तो मुझे गिरा नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्मीद गिरी हुई उम्मीद नहीं मेरी उम्मीद उठाने वाली उम्मीद है मेरी उम्मीद ने मुझे उठाया है मेरी उम्मीद ने मुझे पाक किया है मेरी उम्मीद ने, ने मुझे साफ किया है रबल अफवाज लश्करों के रब ए हमारी जिंदा उम्मीद का हम तुझ पर तोल करते हैं उम्मीद के सर्चिश में वह लोग जो ना उम्मीदी में जिंदगी बसर कर रहे हैं अंधेरे में हैं, मौत के साया के वादी में हैं, गुनाहों में हैं, गुर्बत में हैं। बीमारी में है उनकी उम्मीद तू बन जा जा उनकी उम्मीद तू बन जा। वो तुझे उस औरत की तरह जो बारह बरस से बीमार थी अड़तीस बरस के बीमार की तरह जन्म के अंधे की तरह बहरे की तरह लंगड़े की तरह उम्मीद के साथ तुझे छूना शुरू करें और हाँ। तेरी उम्मीद हमें जिंदा करती है अपने लोगों को अपने कलाम अपने अल्फाज के वसीला से बरकत दे, और हमें पुर उम्मीद कर अम थैंक यू